जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्रावण मास का पवित्र महीना आरंभ हो चुका है। इस पूरे महीने हिंदू धर्म के लोग श्रद्धा भक्ति में डूबे रहते हैं। इसी श्रद्धा भक्ति के साथ कई कई मीलों दूर चलकर अपने भगवान भोले बाबा के दर्शन के लिए भी जाते हैं, जिसे कांवड़ यात्रा के नाम से जाना जाता है। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो। कहा भी जाता है कि जो भी इस यात्रा को पूरे मनोभाव से पूरा करता है उसकी मनोकामना भोले बाबा अवश्य पूरी करते हैं। श्रावण के इस महीने में लाखों की तादाद में कांवड़िए दूर स्थानों से आकर गंगा जल से भरी कांवड़ को लेकर पदयात्रा करके देवगढ़ बाबा धाम की यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं इस यात्रा की महिमा को। और ना केवल देवघर ही बल्कि नीलकंठ महादेव मंदिर जो ऋषिकेश में स्थित है, पूरा महादेव और अघोरनाथ मंदिर जो कि मेरठ में स्थित है, काशी विश्वनाथ, हरिद्वार, गंगोत्री और गोमुख, जिनमें से हरिद्वार यात्रा सबसे बड़ी होती है। यहाँ कांवड़ियों के लिए बहुत बड़ा आयोजन भी किया जाता है। बोले रे तेरी बम, बम, बम बोले। पार्वती के संग, संग, संग बोले। कांवड़िया ले रे रंग, रंग, रंग बोले। इस यात्रा की शुरुआत की कहानी की अगर बात करें तो कुछ इस तरह है। भगवान परशुराम ने अपने आराध्य देव शिव नियमित पूजन के लिए पूरा महादेव मंदिर की स्थापना कर कांवड़ में गंगा जल से पूजन कर कांवड़ परंपरा की शुरुआत की थी, जो आज भी देश भर में काफ़ी प्रचलित है। कांवड़ की परंपरा चलाने वाले भगवान परशुराम की पूजा भी श्रावण मास के महीने में ही की जाती है। भगवान परशुराम श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को कांवड़ में जल लेकर शिव की पूजा अर्चना करते थे। कहा जाता है कि शिव को श्रावण मास का सोमवार विशेष रूप से प्रिय है। श्रावण में भगवान आशुतोष का गंगा जल व पंचामृत से अभिषेक करने से शीतलता मिलती है। तो इसी तरह कांवड़िए अपने भगवान शिव को खुश करने के लिए श्रावण मास के महीने को एक महोत्सव की तरह मनाते हैं। जगह जगह कांवड़ियों के स्वागत व आराम के लिए कैंप की सुविधा भी उपलब्ध होती है और पूरी यात्रा में कांवड़िए नाचते गाते शिव की भक्ति में लीन होकर इस यात्रा को हर साल यादगार बनाते हैं। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।